संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। इससे जुड़ा नोटिस अब से थोड़ी देर पहले उन्हें भेज दिया गया। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक यह बंगला खाली करना होगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं कांग्रेस में असमंजस है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है, हर कोई ये जानना चाहता है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी भले ही सांसद से पूर्व सांसद बन गए हों, लेकिन वो अदानी से जुड़े सवालों पर अड़े हैं। मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। राहुल गांधी को भले ही घर खाली करने का नोटिस मिल गया हो, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर वो बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। लेकिन जिस नेता के लिए दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि उनका दल राहुल गांधी की सदस्यता बचाने के लिए क्या कर रहा है। जबकि राहुल की संसद से सदस्यता जाने के बाद पार्टी शुक्रवार को आपातकालीन बैठक कर चुकी है, शनिवार को देश भर में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन, तो रविवार को राजघाट पर सत्याग्रह में प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल चुकी हैं। वहीं आज कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर विपक्ष के साथ प्रदर्शन कर चुकी है। 4 दिन बीतने को हैं और अब तक ये नहीं पता चल सका है कि राहुल गांधी की सदस्यता बचाने के लिए, उन्हें जेल जाने से बचाने और वायनाड को उपचुनाव से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। जबकि वहां राहुल गांधी के ऑफिस पर ताला लग चुका है। खुद राहुल गांधी भी संसद सदस्यता जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है, ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। तो राहुल गांधी अपनी तपस्या में लीन है और पार्टी कार्यकर्ता देश भर में विरोध जताने के लिए सड़कों पर उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस प्रदर्शन कर राहुल के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन उनकी सदस्यता से जुड़े इस सवाल पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यही हाल सोनिया गांधी का है, जिनसे आज दो बार ये जानने की कोशिश की गई। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इस एक्शन को किस तरीके से देखते हैं आप? सोनिया भले ही खामोश हो, लेकिन प्रियंका गांधी के तेवर सरकार को लेकर बहुत तल्ख है, जिन्होंने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आयोजित कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में सरकार को चुनौती दी और अपने भाई का बचाव किया। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका ने भले ही सीधे पीएम को चैलेंज दिया, लेकिन पार्टी राहुल से जुड़ी रणनीति पर फिलहाल पत्ते खोलने को राजी नहीं है। सवाल कांग्रेस की लंबी चौड़ी लीगल टीम पर भी उठ रहे हैं, जिनके रहते हुए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे राहुल से जुड़े सवालों को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बात नहीं करते। एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्लियर। कानून के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अगर सेशंस कोर्ट में अपील करते हैं
तो फिर अदालत दो चीजें कर सकती है। सेशंस कोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा सकती है या फिर वो सजा को कम कर सकती है। इन दोनों स्थिति में राहुल गांधी को राहत मिलनी तय है, लेकिन अगर सेशंस कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो फिर राहुल गांधी को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस को गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। राहुल को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है, फिलहाल इस पर पार्टी की चुप्पी से कंफ्यूजन जैसी स्थिति है। सवाल यह है कि क्या ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है, क्या पार्टी का सारा फोकस इस मामले को केंद्र में रखकर विपक्ष को एक करना है, जिसकी दूरियां राहुल की सदस्यता जाने के बाद कुछ कम होती दिखती है। आज तक ब्यूरो।